नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रेया और मैं 5 साल की हूँ। आज मैं आपको कछुए और खरगोश की कहानी बताने वाली हूँ। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहता था। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और कछुआ बहुत धीरे 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 चलता था। खरगोश को अपने आप में बहुत घमंड था। वो हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था और वो कहता था, तू क्यों इतने धीरे चलते हो, देखो मैं कितना तेज दौड़ता हूँ। एक दिन खरगोश कछुए को बोला कि क्यों ना हम शर्त लगाए कि जो पहले उस लंबी पहाड़ में पहुंचेगा सबसे पहले उससे मिलेगा बढ़िया इनाम। कछुए बोलते हैं ठीक है। फिर दोनों की दौड़ शुरू हो गई। 1, 2, 3। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और कछुआ हमेशा की तरह धीरे 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 चलता रहा। उसके बाद खरगोश बहुत दूर पहुंच गया और उसके बाद उसे खेत भी दिखा और एक बड़ा सा पेड़ जिसमें बहुत सारे सेब लग रहे थे। इसके बाद उसने सोचा, मुझे बहुत भूख लगी। उसने आजू बाजू में देखा कि कछुआ अब बहुत पीछे रह गया है, क्यों ना मैं थोड़ा खा लूं फल और मैं थोड़ा सो जाऊं। और उसके बाद वो खेत में पहुंच गया। उसने खेत में बहुत सारे फल देखे, उसने तरबूज खाया और उसके बाद उसने केला खाया और उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें खाई और उसके बाद उसने सेब भी खाया और उसके बाद वो सो गया। उसके बाद जब कछुआ वहां पहुंच गया तो उसने देखा कि खरगोश सो रहा है, तो उसने रुका नहीं, वो चलते रहा धीरे 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 धीरे। कछुआ धीरे धीरे करते करते ऊंची पहाड़ी तक पहुंच गया। फिर खरगोश उठ गया और उसने सोचा कि क्यों ना वो रेस के लिए लेट तो नहीं हो गया, तो वो तेज तेज दौड़ने लगा और उसने क्या देखा कि कछुआ उससे पहले पहुंच गया है ऊंची पहाड़ी तक। अरे भाई, तू तो मेरे पहले रेस जीत गया, अब तुझे मिलेगा बढ़िया इनाम। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं तुझे हमेशा चिढ़ाते रहा। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं बस तुझे ये दिखाना चाहता था कि अगर मैं धीरी हूँ तो क्या हुआ, अगर तुम लगातार कोशिश करते रहो तब तू रेस जीत सकता है। तो दोस्तों, ये थी कछुए और खरगोश की कहानी। अगर तुम्हें किसी पर हंसना नहीं चाहिए, किसी पर मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। अगर तुम लगातार कोशिश करते रहो तब तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।